पौष अमावस्या इस दिन का विशेष महत्व है। इस बार पौष अमावस्या 13 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को ही पौष अमावस्या कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान दान, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभकारी होता है। आपके सारे कष्टों का निवारण इस दिन होता है, साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं इस दिन पूजा करने से पूरी हो जाती हैं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 जनवरी 2021 दोपहर 12:22 से शुरू होगा और तिथि की समाप्ति 13 जनवरी 2021 सुबह 10:29 पर समाप्त होगी। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ये तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या तिथि को बुरे कर्म और नकारात्मक विचारों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इस दिन व्रत रखने की मान्यता भी है। पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष या संतानहीन योग होता है, उन्हें पौष अमावस्या के दिन उपवास रखने से लाभ हो सकता है। इस दिन सवेरे स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर अर्घ्य दें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। पीपल के पेड़ और तुलसी के पौधे को जल अवश्य अर्पित करें। अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं, पितरों के नाम से दान अवश्य करें। इस दिन कई शुभ अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तिथि को धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जिस तरह से अमावस्या तिथि को चंद्रमा किसी को दिखाई नहीं देता है और उसका प्रभाव क्षीण होता है, इसी तरह का प्रभाव इंसान के जीवन में भी रहता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष रहता है और उस व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावशाली नहीं रहता है।